नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। आयरन खान केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हर रोज नए मोड़ के साथ ये कहानी शुरू हो रही है। अब इस केस में एक नया एंगल सामने आया है। वहीं इस पूरे मामले में तीसरा पक्ष बने महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नया पंप फोड़ा है। उन्होंने एनसीपी के जोनल डायरेक्टर खेड़े पर नया आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। कूल ड्रग्स मामले में आर्यन खान को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। इसके बाद महाराष्ट्र के मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एनसीपी के क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े पर फिर निशाना साधा है। मलिक ने कहा कि पिक्चर अभी बाकी है। मलिक ने हिंदी में ट्वीट किया, पिक्चर अभी बाकी है। हाईकोर्ट ने एनसीपी द्वारा गिरफ्तारी के 3 हफ्ते बाद आर्यन खान और 2 सह आरोपियों को जमानत दे दी है, जिसके बाद राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मलिक ने बार बार क्रूज ड्रग्स मामले को फर्जी करार दिया है और वानखेड़े के खिलाफ विभिन्न आरोप लगाए हैं, जिनमें अवैध फोन टैपिंग और नौकरी हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का उपयोग करना शामिल है। मलिक ने मीडिया में एक वीडियो संदेश जारी करते हुए कहा, आर्यन खान और अन्य को गिरफ्तार करने वाले अधिकारी वानखेड़े ने अब बम्बई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और मुंबई पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए आदेश जारी करने का अनुरोध किया है। उन्होंने मुंबई पुलिस से संपर्क करके पिछले हफ्ते संरक्षण की मांग की थी। उन्होंने वास्तव में कुछ गलत किया होगा और इसलिए कार्रवाई से डरते हैं। मलिक ने कहा, मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया है कि अगर वे ऐसी कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं तो वे 72 घंटे पहले उनकी गिरफ्तारी का नोटिस जारी करेंगे। मैं अपनी पिछली टिप्पणियों को दोहराता हूं कि यह ड्रग्स केस पूरी तरह से फर्जी है। बच्चों को इस मामले में जानबूझकर फंसाया गया था। इससे पहले भी राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी नेता ने वानखेड़े के खिलाफ कई आरोप लगाए थे, जिसमें अवैध फोन टाइपिंग और नौकरी हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल शामिल था। नवाब मलिक ने बड़ी आसानी से कह दिया कि आर्यन की गिरफ्तारी एक फर्जी कार्रवाई थी, लेकिन नवाब मलिक साहब ये भी बता दीजिए कि अगर आर्यन खान की गिरफ्तारी फर्जी थी तो फिर कोर्ट ने 22 दिन के बाद जमानत क्यों दी? हाई कोर्ट ने भी 3 दिन का वक्त सुनवाई के दौरान क्यों दिया? समीर वानखेड़े पर तो आप आरोप पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस मामले में कुछ 20 आरोपी हैं। आप आर्यन को छोड़कर बाकी किसी की पैरवी नहीं कर रहे हैं, आखिर क्यों? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।